First of all, congratulations for being elected as the ASCO chairman and then secretary. What would be your way forward? Because this is the last ASCO conference, 9th general conference, where Sajulang community and Aka community, for them, this is the last conference. So what would be the way forward? What is your vision to say with the people of Arunachal and people of this country? ASCO ऐसे एक जो है मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है ऑलरेडी 46 इयर्स हो चुका है। तो ASCO का हमारा एकदम विजन है, मिशन है और ऑब्जेक्टिव्स है, ऑलरेडी फ्रेम करके हमारा फाउंडिंग फादर्स ने फ्रेम करके रखा है, तो उसको हम सब फॉलो करेंगे। और अभी हम लोग को बहुत कुछ नया करना होगा, क्योंकि हमारा दो ट्राइब जो है हमसे बिछड़ के आज चला जा रहा है। तो इसके लिए हमें हमारा जितना भी नया जो फ्लैग सॉन्ग्स है, उसके बाद में हमारा जो एंटम्स है, ये सब में भी थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा अभी, तो सिचुएशन का हिसाब से। सर, एज फार एज जो सजुलंग कम्युनिटी और आका कम्युनिटी का रिलेशन इज कंसर्न, आई थिंक इट्स अ ट्रांजिशनल पीरियड फॉर बोथ कम्युनिटीज, बिकॉज दे पिचम डिस्ट्रिक्ट हैज बीन क्रिएटेड। What would be the role of ASCO ये transitional period में, because administration अगर shifting होगा, infrastructure वो होगा, तो ASCO का इसमें क्या role रहेगा? ASCO as a social organization, वो तो हमारा एक बच्चा जैसे है। तो आपका एक परिवार से जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वो तो उसका दूसरा परिवार बन के जाता है, उसी तरह का वो है। तो इसका उसमें वो लोग का जो अच्छा ट्रांजिशन के लिए जो भी जरूरी होगा, जो भी वो लोग हमारा ASCO से जो भी मदद चाहेगा, तो हम लोग हमेशा हाजिर रहेगा, तो सिचुएशन का हिसाब से। सर, जैसे कि बोला, ये ASCO का जो सफ़र बहुत लंबा रहा है, अभी 46 ईयर पहुंच चुका है, और इसका जो लीगेसी, जो गाइडेंस, जो आप लोग मोटो के अंदर रहता है, तो अब एज ए हेड बॉडी आप रहेगा सबका, तो आपसे क्या क्या उम्मीद रख सकता है, और ASCO में और आने वाले वक्त में और कुछ अच्छा नया क्या हम लोग देखने को मिल सकता है? ASCO एक जो है बहुत बड़ा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ इस कमिंग अरुणाचल में सिर्फ नहीं, ये पूरा देश में जाना जाता है ASCO। तो हम लोग जो है हमारा जितना फाउंडिंग फादर्स का, जैसे मैंने कहा, उनका लीगेसी को लेके जाऊंगा, जितना भी हमारा जो है या सोशल एविल्स वगैरह, जैसे कि ड्रग मैनेज है, अर्ली मैरिज वगैरह, ये सब अर्ली मैरिज हो रहा है, तो हमारा टाउन वगैरह में थोड़ा सा रास्ता भी थोड़ा सा वो है, तो इसको हम लोग अभी बैठक करके तो देख के उसका बाद हम लोग टेकअप करो। आज के जो कॉन्फ्रेंस में अराउंड 10 पॉइंट रिजोल्यूशन निकाला है, तो उसके ऊपर में किस चीज में आप सबसे पहला काम करना चाहेंगे? फिलहाल अभी तो रिजोल्यूशन को मैंने देखा नहीं, मतलब अभी हम लोग रिजोल्यूशन को देख के उसका बाद में फिर नेक्स्ट हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग्स में डिस्कस करके, तो जो भी रिजोल्यूशन है उसको हम लोग हमारा टाइम में उसको हम लोग उसको पूरा कर लेगा। इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो संभल के दिया है, तो उसके मैं पूरा भरपूर कोशिश करेगा कि मैं जो हमारा पाइनर्स का लेगेसी, जो ASCO को किस मकसद से उन लोग फॉर्म किया है, तो जैसे कि रिवेंज सिस्टम को बताना, इसके बाद में बहुत सा ऐसे उन्होंने सोशल काम किया है, आपका 1978 को ये जो ASCO जो है फॉर्मेशन हुआ, तब से लेके जैसे कि आपका चाइल्ड मैरिज वगैरह, लड़की बच्चों को मैंने एजुकेशन में फोकस करना, जिसे बहुत सारा ऐसे आपका सोशल काम करके आया है। इसी तरह जो लेगेसी ने काम हम लोग को सिखा के किया है, तो 46 फाउंडेशन डे आज मनाया है, मेरा एज तो इतना भी नहीं हुआ है, तो इसलिए हमको इतना यंग में मैंने चुना है, तो मैं सभी इस कमिंग वासियों को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ, कि और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि हमारा जो चेयरपर्सन का साथ में कंधे से कंधे मिला के मैं चलूँगा।